हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्बिटल इज ए थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी ये वो थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक पॉइंट पर बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें क्या देती है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप हमें मिलेगी, दैट विल गिव द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप हमें एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप देगी। अब यहां से यदि हम बात करें सबसे पहले एस ऑर्बिटल के शेप की, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, इन केस ऑफ वन एस ऑर्बिटल इट इज ऑब्जर्व दैट के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें आइडेंटिकल मिलती है, यानी दैट इज व्हाई जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसलिए जो शेप होगी एस की वो क्या होगी? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। वन एस के केस में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस से वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। इसको हम समझ सकते हैं एक और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी एंड आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के बहुत पास है तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत कम है तो। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी कम होती जा रही है। बट दिस कर्व नेवर टचेज द एब्सिसा। ये जो एक्स एक्सिस वाली कर्व है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, इसके साथ ये कर्व टच नहीं करेगी। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस बिकम्स इक्वल नॉट बिकम्स इक्वल टू जीरो। यदि हम 2s की बात करें, 2s की, 2s के केस में भी जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है दैट इज आल्सो फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस।
with the distance goes on decreasing and then becomes equal to zero. Again it starts to increase and then goes on increasing, becomes maximum and then goes on decreasing. ये जो प्लेन है वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो इज कॉल्ड एज अ नोड और द नोडल सरफेस. इसको नोड या नोडल सरफेस कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. इसको यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हेल्प से समझें, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर. अगेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस. डिस्टेंस के साथ साथ डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देन बिकम्स इक्वल टू जीरो. अगेन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग. बट दिस टाइम इट नेवर बिकम्स जीरो. यानी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी जीरो नहीं होती है. और ये वो साइट है जिसको हम नोड या नोडल सरफेस कहते हैं. यहां से एक बात क्लियर है कि 1s के केस में कोई नोड नहीं है जबकि 2s में एक नोड होती है. इसी तरह से 3s में टू नोड्स होती हैं. यानी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इन केस ऑफ s ऑर्बिटल दैट इज गिवन बाय n माइनस 1. अब देखिए यहां पर पुट कर लीजिए 1s के लिए n इज 1 तो 1 माइनस 1 इज 0. यानी 1s में कोई नोड नहीं है. 2s में n इज इक्वल टू 2 है, 2 माइनस 1 वन नोड है. इसी तरह से 3s में 3 माइनस 1 यानी 2 नोड होगी, 4s में 3 नोड होगी एंड सो ऑन. p ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन शोज दैट कि जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल दैट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम इन बिटवीन द टू लोब्स ऑपोजिट टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पर दो लोब्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पी ऑर्बिटल्स की दैट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम. दैट इज व्हाई जो शेप है p ऑर्बिटल की दैट इज कॉल्ड एज अ डम्बल शेप. इसलिए इसकी शेप को हम डम्बल शेप बोलते हैं. p ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इसलिए m माइनस 1 0 एंड प्लस 1 हो जाएगा. मींस p सबशेल विल हैव द 3 ओरिएंटेशन, यानी इट विल हैव द 3 ऑर्बिटल्स. और ये तीन ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? px, py एंड pz. तो फिर इनकी शेप क्या होगी? शेप देख लेते हैं. यदि ये x एक्सिस है तो p ऑर्बिटल जो होगा वो अलोंग द x एक्सिस यानी px की शेप इस तरीके से होगी. इसी तरह से यदि हम y एक्सिस को यहां पर मान ले तो py जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप हमारे इस तरीके से आ जाएगी. और जो pz होगा, pz यानी ऑर्बिटल अलोंग द z एक्सिस, ये z कहां होगी? इन दोनों x और y के परपेंडिकुलर. मतलब यदि x ऐसे और y ऐसे है तो z एक्सिस इस तरीके से होगी, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. उस केस में जो pz ऑर्बिटल होगा दैट इज शोन बाय This. ये जेड एक्सिस है एंड दैट इज गिवन बाय द पी जेड. यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो न्यूक्लियस से एक प्लेन पास करता है पी सबशेल के, हर एक पी ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस के सेंटर से यदि लोब एक ऐसे है और नीचे है तो उसके सेंटर से एक ऐसा प्लेन पास करता है वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो. That plane is called as a nodal plane. Nodal plane. और ये जो nodal plane होता है
दैट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज गिवन बाय द एल. अब किसी भी पी ऑर्बिटल के लिए, फॉर एनी पी ऑर्बिटल ऑलवेज एल इज इक्वल टू वन. दैट इज वाई कोई भी पी ऑर्बिटल होगा उसके लिए जो नोडल प्लेन होगा वो वन होगा, यानी हर एक पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन जरूर होगा. फिर जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर्स ऑफ स्फेरिकल नोड्स, दैट इज गिवन बाय एन माइनस एल माइनस वन. अब यदि हम 2p की बात करें, फॉर 2p n इज इक्वल टू 2, l इज 1, माइनस 1 दैट इज 0. इसका मतलब 2p में कोई स्फेरिकल नोड नहीं होगा, परंतु 3p में 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, 3p में 1 स्फेरिकल नोड होगा. नोडल प्लेन तो एक होगा ही होगा जरूर, जिसको हम एंगुलर प्लेन भी बोलते हैं, परंतु जो स्फेरिकल नोड है जिसको हम रेडियल नोड भी कहते हैं, ये कितने होंगे? दैट इज गिवन बाय द एन माइनस एल माइनस वन, यानी 2p में 0 होगा और 3p में 1 होगा. इसी तरह से 4p में 2 होंगे, 5p में 3 होंगे, एंड सो ऑन. डी ऑर्बिटल्स की शेप की यदि हम बात करें, फॉर डी ऑर्बिटल्स एल इज इक्वल टू 2 होता है, और एल 2 होता है तो एम माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2 होगा, यानी जो डी सेक्शन होता है दैट विल हैव द 5 ओरिएंटेशन, मींस इट विल हैव द 5 ऑर्बिटल्स. और ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या डी जेड एक्स. अब इनकी जो शेप्स हम ड्रॉ करें तो उसके लिए, यहां पर सपोज आपने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, यदि अलोंग द एक्सिस लोब्स हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और y एक्सिस के अलोंग भी है, तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और यदि आप x और y एक्सिस के, x और y एक्सिस के इन बिटवीन है लोब्स, तो ये कहलाता है इन बिटवीन द प्लेन्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ डी एक्स वाई ऑर्बिटल. और यदि ये दो लोब्स y और z एक्सिस के इन बिटवीन प्लेन्स में हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ डी वाई जेड, डी वाई जेड. और यदि यही आपकी x और z एक्सिस में है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डी जेड एक्स या डी एक्स जेड ऑर्बिटल कहलाता है. ये जो शेप होती है, दीज आर कॉल्ड एज अ क्लोवर लीफ शेप. परंतु जो डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर, उसकी शेप डोनट होती है. जेड एक्सिस के लॉन्ग ये लोब्स हो गई और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन पर फैला होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डोनट शेप. डोनट शेप यहां पर टू एक्सिस के अलोंग टू नोडल प्लेन्स होते हैं, क्योंकि नोडल प्लेन्स मैंने अभी बताया था, नोडल प्लेन्स या इनको हम एंगुलर नोड्स भी कहते हैं, दिस इज गिवन बाय द एल, और डी के लिए एल 2 होता है. दैट इज वाई डी ऑर्बिटल्स में हमेशा
टू नोडल प्लेन्स होंगे, परंतु डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन यानी एंगुलर नोड नहीं होती है। फिर स्फेरिकल नोड की यदि हम बात करें, स्फेरिकल या जिसको हमने रेडियल नोड भी कहा था, दैट इज गिवन बाय एन माइनस एल माइनस वन। एंड यदि मैं 3D की बात करूं, 3D की, यहां पर एन 3 हो गया फॉर 3D, एन 3 हो गया, एल 2 हो गया, माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी 3D में कोई रेडियल नोड यानी स्फेरिकल नोड नहीं होती है, परंतु 4D में 1 होती है, 5D में 2 होगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप टोटल नोड्स निकाल सकते हैं। यदि हम इन दोनों को सम अप कर दें तो फिर किसी एक ऑर्बिटल में टोटल नोड्स कितनी होंगी, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, दैट इज एन माइनस वन। सो एन माइनस वन विल गिव द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मे बी नोडल प्लेन यानी एंगुलर नोड्स एंड स्फेरिकल नोड, दोनों का जो सम है टोटल नोड्स जो किसी एक ऑर्बिटल में होगी, दैट इज गिवन बाय द एन माइनस वन। पिछले लेक्चर्स में हमने बच्चों पढ़ा था कि जो मेन शेल्स होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी फर्स्ट मेन शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, सेकंड की उससे ज्यादा होती है एंड सो ऑन। इसी तरह से शेल्स के अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी वेरी करती है, वो भी सेम नहीं होती। तो इस तरीके से यदि सभी ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हम अरेंज करें तो उससे जो हमें अरेंजमेंट मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो फिर एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हुआ, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहां पर ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज करती जा रही है, फर्स्ट की सबसे कम है। फर्स्ट शेल में सबसे पहले केवल एस सब शेल होता है, तो इसलिए हमने यहां पर 1s दिखाया है, और s का 1 ऑर्बिटल होता है, ये हम क्वांटम नंबर से पढ़ चुके हैं। फिर सेकेंड में 2s, सेकेंड मेन शेल में 2s और 2p भी होता है, तो s और p में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। यहां पर लिखा है इन ए शेल द सब शेल विद द लोअर वैल्यू ऑफ l विल हैव द लोअर एनर्जी। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें, 3s 3p को कंपेयर करें या 4s 4p को कंपेयर करें, तो जिसके लिए l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, यानी 2s जिसके लिए l 0 है, 2p जिसके लिए l 1 है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। उसके बाद फिर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n द डिफरेंस बिटवीन द s एंड p, यदि एक ही हम शेल की बात करें तो s और p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द p एंड d, विच इन टर्न इन कंपैरिजन टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द d एंड f। तो इस तरीके से ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, द सब शेल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n यानी लोअर शेल विल हैव द हायर एनर्जी देन द हायर शेल, इस हायर शेल से इसकी एनर्जी कम हो जाए, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इस हायर शेल की एनर्जी कम है, यानी 3D हैव द हाई एनर्जी देन द 4S, इन सिमिलर वे द 4D हैव द हायर एनर्जी देन द 5S। तो इस टाइप से ये जो अरेंजमेंट होती है एनर्जी लेवल्स की, ये हमें एनर्जी लेवल डायग्राम देता है। अब इन ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी को हम और कहां से स्टडी कर सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे हाफ बॉल प्रिंसिपल से। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करना होता है।
फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में जो फिल करना है उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें से जो पहला रूल है दैट इज द हाफबाउ प्रिंसिपल। हाफबाउ ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज अ हाफबाउ, जर्मन वर्ड जो होता है ये। तो ये फिर क्या रूल है, क्या प्रिंसिपल है कि जब एक एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है उस समय जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, जो ऑर्बिटल्स हैं उनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फिल करना है। फिर ये हमें इनका ऑर्डर कैसे पता चलेगा ऑर्बिटल्स का, वो हम यहां से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट मेन शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, देन आफ्टर सेकंड में 2s एंड 2p, थर्ड में 3s, 3p एंड 3d, देन फोर्थ में 4s, 4p, 4d एंड 4f, देन 5s, 5p, 5d एंड 5f, देन 6s, 6p एंड 6d, देन 7s एंड 7p। अब कैसे हमने इसको देखना है, ऐसे हम क्रॉस करते जाएंगे 1s, 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, देन 3d, 4s, 5p, 4d, 5p, 6s, देन 4f एंड लास्ट में आ जाता है 7p। अब यदि एक एरो के हेड को हम नेक्स्ट एरो की टेल से मिला दें तो हमें फिर ये ऑर्बिटल्स का ऑर्डर मिल जाएगा, 1s, 1s के बाद 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, 4s को फिर हमने यहां मिला दिया, देन 3d, 4p, 5s, 5s को फिर हमने यहां मिला दिया, देन 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। सो दिस गिव्स द ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स। इसको यदि ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन हर बार हम ऐसा डायग्राम बना के ये पता नहीं लगा सकते कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। जब हमें इमीडिएटली दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर करना होता है वहां पर फिर हम एक और रूल फॉलो करते हैं, दैट इज एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि फॉर द टू ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल विल हैव लेस एनर्जी। यानी जब हम दो ऑर्बिटल को कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें से जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे यदि मैं 4s और 4p को कंपेयर करूं, 4s में n कितना है, 4 है, और s होने के लिए l हो गया 0, दिस इज 4, 4p में n 1 है और l 1 हो गया तो हो गया 5, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी 4p से कम होती है। यहां से भी हमें पता चल जाएगा 4s की एनर्जी कम है, 4p की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन यदि ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, दोज हैव द सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एन प्लस एल वैल्यू, देन द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन विल हैव लेस एनर्जी। यदि हम
3D और 4P की बात करें, 3D में N is 3 and L is 2, तो वैल्यू हो गई 5, और 4P में N is 4 और P के लिए L की वैल्यू 1, तो 5, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। उस केस में इन दोनों में से जिसके लिए L की वैल्यू कम होगी, N की वैल्यू कम किसके लिए है, 3D के लिए, will have the less energy, यानी 3D की जो एनर्जी होगी वो 4P से कम होगी। इसी तरीके से आप चाहे तो इसके साथ कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे 4S and 3D है, 4S and 3D, 4 के लिए N is 4, S के लिए 0, value is 4, और यहां पर 3, D के लिए 2, तो 5, तो यहां पर ये वैल्यू कम है N plus L की वैल्यू, तो 4S की जो एनर्जी है वो 3D से कम होगी, यानी 3D की एनर्जी ज्यादा होगी 4S से। सेकेंड रूल है फॉर द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वोल्फगैंग पॉली ने ये रूल दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट रूल नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज है वो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक एटम में सेम नहीं हो सकती, यानी इफ वन इलेक्ट्रॉन हैव सर्टन वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स, देन ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग द सेम वैल्यूज, यानी बाकी के इलेक्ट्रॉनों की वैल्यूज चारों क्वांटम नंबर के लिए सेम नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई दिस रूल इज कॉल्ड एज अ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा गया है। सपोज यदि मैं 3s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करता हूं, एक ऑर्बिटल के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है, s सबशेल है तो l 0 होगा, और यहां पर m एक ऑरिएंटेशन है तो m भी 0 होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s का जिसके लिए n 0 m 3 होगा, l क्योंकि s सबशेल का इलेक्ट्रॉन है तो l 0 होगा, और l 0 है तो m 0 होगा, यानी वन ऑरिएंटेशन, वन ऑर्बिटल। लेकिन यदि उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जिसके जो पहला इलेक्ट्रॉन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यहां से बात बिल्कुल क्लियर है कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हां, 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है, बट जो 4th क्वांटम नंबर होगा, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू डिफरेंट होंगी, यानी एक प्लस हाफ होगा तो दूसरी माइनस हाफ हो जाएगी। दैट इज व्हाई दिस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आल्सो डिफाइंड एज एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट रूल है ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए, दैट इज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, जब तक कि वो जो डीजनरेट ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने पहले बात की है कि पी के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं किसी भी एक मेन शेल के, या डी के 5 ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं यानी हैविंग द सेम एनर्जी, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात कर रहे हैं। तो कहता है इनमें पी हो, डी हो या एफ हो, उनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि सभी एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल ना हो जाएं। इसको
समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। हमें पता है सबसे पहला जो ऑर्बिटल होता है 1s होता है, उसके बाद 2s होता है, फिर 2p के तीन ऑर्बिटल ये डीजनरेट होते हैं। अब पहला इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हाफ आवर रूल 1s में जाएगा, क्योंकि 1s की एनर्जी 2s से कम होती है, तो इसलिए सेकंड भी इसी में जाएगा। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंगली ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट स्पिन से हो जाएगा। इसी तरह 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन 2s के बाद 2p में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हमने कितने फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी यहां है, तीसरा यहां है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा और ये सातवां इलेक्ट्रॉन। एक पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा और ये तीसरा। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने ये देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है। यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ है, तो टोटल स्पिन हो गया 0, इसकी 0 हो गई। यहां पर स्पिन प्लस हाफ है इस इलेक्ट्रॉन की, इसकी प्लस हाफ है, इसकी प्लस हाफ है, तो टोटल स्पिन हो गई +1.5। यहां पर ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो यहां पर टोटल स्पिन रही +1/2। इसकी बात करें ये +1/2, -1/2, +1/2, तो टोटल रह गई +1/2। ये रूल कहता है कि जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर दी, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग आप डीजनरेट ऑर्बिटल में तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल सिंगली फिल्ड ना हो जाएं, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये सिंगली फिल्ड है दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, परंतु उसके लिए साथ में क्या जोड़ दिया गया, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेबल होगी इन विच द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड हैव मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मींस मैक्सिमम स्पिन, यहां पर +1/2 है, यहां पर +1.5 है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो टोटल स्पिन है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज व्हाई ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड कॉन्फ़िगरेशन होगी।